বাংলা চিরকালই গুণীজনদের প্রকৃত সম্মান জানিয়ে আসছে। বাংলার সার্থক ব্যক্তিদের স্বীকৃতি জানাতে আগামী 13 জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় সরলা রয় মেমোরিয়াল হলে হতে চলেছে বিগ নিউজ বাংলা গৌরব সম্মান 2024। সঙ্গে থাকছে সঙ্গীতে সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং আপনাদের মনোরঞ্জনের স্বার্থে হতে চলেছে ট্র্যাডিশনাল ফ্যাশন শো। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ। কিন্তু রাস্তা ফুটপাতে হকার এনক্রোচমেন্টের পুরো ফুটপাতটাই যদি দখল হয়ে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ে, লোক চলতে পারে না, আর যে যার মতো ইচ্ছে মতো প্লাস্টিক জমা করে রেখে দিচ্ছে এবং হকারের জায়গাটাতে গোডাউন বানিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গাল মে প্রচন্ড বহুমত কে সাথ তৃণমূল নে আপনা পরচম গাড়া হ্যায়। উসকে সাথ হি पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक निर्देशिका जारी कर जितने भी हॉकर हैं उनको एक दायरे में रहने का अनुमति दी है एवं और जितने भी इनलीगल हॉकर हैं उनको जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा हटाने का निर्देश दिया गया है। इस हॉकर को हटाने के निर्देश के बाद में देखा जा रहा है कि कम से कम पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में 50,000 से भी ज़्यादा अभी तक हॉकर अभियान कर हटाया जा चुका है। इस पर वक्तव्य देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह जी। आज उनसे जान लेते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा गरीब और आम आदमी पर। यशवंत जी आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। एक्चुअली इतिहास अपने आप को दोहराता है। सीपीएम भी जब सत्ता से बेदखल होने वाली थी तो सनशाइन ऑपरेशन सुभाष चक्रवर्ती के नेतृत्व में किया गया था। जो भी बंगाल में जब उसका जाने का समय आता है तो ये गरीब रास्ता फुट पर जो लोग जीविका साधन चला रहते हैं उनसे टकराती है, क्योंकि उनको बैठाने वाले भी यही होते हैं फुटपाथ पर, उनका जीविका को चलाने के लिए प्रोत्साहन भी यही देते हैं, उनके मीटिंग मिचिल ब्रिगेड हो शहीद मीनार हो भरने के लिए भी वही लोग जाते हैं और फिर वही लोग उनके लिए तकलीफ का भी विषय हो जाते हैं। क्योंकि आदमी जब अनाज खाता है अच्छा सोचता है तो अच्छी चीज़ सोचेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण में भी उसका अपना दृष्टिकोण होता है। जब वो देखता है कि नहीं पार्टी गलत कर रही है तो उसके विरुद्ध में जब वो लोग मतदान कर देता है तो लोग बौखला जाते हैं। पहले तो लोग बैठाते हैं, फिर उन लोगों को यूटिलाइज करते हैं, उनसे मारामारी करवाते हैं, उनसे अपने मिचिल और मीटिंगों में भीड़ करते हैं, बाद में उनको फिर परिताड़ित करने लगते हैं, उनको उच्छेद करने लगते हैं। तो ये सरकार जाने का एक इंगित है। सीपीएम को भी जाने से पहले इसी तरह का कार्यक्रम लिया था और ममता बनर्जी भी अब जाने के कगार पर है, इसलिए उनको इतिहास जो है अपने आप को दोहरा रहा है। इससे किसी भी सरकार को या किसी भी सभ्य समाज को अस्वीकार करना चाहिए कि अगर आप उसको नहीं बैठाए होते, अगर पुलिस और नेता फुटपाथ पर उसको प्रोसेस नहीं दिए होते कहीं और वो चला जाता, कलकत्ता में ही क्यों, फुटपाथ पर ही क्यों। लेकिन पहले तो लोग बैठाते हैं, उनसे महीना वसूलते हैं, उनसे हफ्ता वसूलते हैं, वहाँ पर एक दादा भैया पैदा हो जाता है और फिर बाद में उसको उच्छेद करते हैं। तो ये एक गणतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये भी एक मानवता का हनन ही है। एक तरह से देखा जाए तो हिटलर शाही इसको कहा जा सकता है कि किसी के जीव का पार्जन पर अगर बुलडोजर चला दिया जाए, उनको उच्छेद किया जाए रातों रातों, क्योंकि वो अपने से नहीं बैठे हैं, ये तय है। कहीं भी कलकत्ता के फुटपाथ पर अगर कोई भी अगर कोई अपना जीव का पार्जन के लिए डाला या दुकान लगाया है तो आप उसे जाके पूछिएगा तो निश्चित रूप से उसमें लोकल सरकारी नेता और पुलिस का उसमें हाथ है और वो दो जगह पैसा देता है, वहाँ के लोकल नेता को भी पैसा देता है और पुलिस को भी पैसा देता है। आप बड़ा बाज़ार में जाइए, वहाँ डाला लाखों लाखों में बिकता है, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 2-2 लाख, 1-1 डाला का दाम होता है। लोग डाला नेता लोग घेर के रखे हैं, वो भाड़ा में चलाते हैं। दुकानदारों का जब नुकसान होता है उस समय तो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब एक डाला वाला जम जाता है तो फिर उसको उठाने लगते हैं। एक बार दुकानदार को मारता है, दूसरी बार लोग फुटपाथ पे बैठे जो उनको मारते हैं लोग। तो इस तरह से दोनों तरफ से
यहाँ के व्यवसायियों के ऊपर ये आघात है और भगवान मुख्यमंत्री को सदबुद्धि दे कि इन जो हैंड टू माउथ जो गरीब लोग हैं जो फुटपाथ पर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे पर तो शर्म आनी चाहिए कि आखिर एक स्वच्छ सरकार, एक बहुमत की सरकार, तीन तीन बार की सरकार जिस प्रदेश में हो वहाँ के लोग फुटपाथ पर आखिर दुकान क्यों करते हैं? रोजगार नहीं है, कल कारखाना बंद है, बड़ा व्यवसायी कोई आना नहीं चाहता है, तो आखिर करेगा क्या आदमी? जीविकापार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ये तो सरकार की विफलता है। आप और किसी शहर में जाइए, मिलेंगे लोग, अस्थाई रूप से नहीं मिलेंगे, वो चक्का वाला उनका डाला होता है, कहीं फुटपाथ पर लगाए लेकिन रात को उसको अपने घर लेके चले जाते हैं। केवल पश्चिम बंगाल में ही ये एक उद्योग है और उद्योग फल फूल रहा है नेताओं के छत्र छाया में, पुलिस की छत्र छाया में, और बीच बीच में ये डराने धमकाने का काम चलता रहता है ताकि उन लोगों को राजनीतिक लाभ मिले। ये जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया है, अवैध जितने भी गुमटियां हैं, जितने भी अवैध दुकान हैं उनको हटाने का, तो ये क्या आने वाले दिनों में क्या कलकत्ता की छवि को परिष्कार और साफ सुथरी देख सकते हैं? एक बार कलूटोला से शुरू करें, जकरिया स्ट्रीट से शुरू करें, खिद्दीरपुर मटियाबुरु से शुरू करें, पता चल जाएगा कितना साफ करना चाहती हैं। जहाँ पर आदि बंगाली हैं, जो बंगाल की धरती से निकले हुए हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, वहीं पर ये कार्यक्रम चल रहा है। एक बार कलूटोला में कोई कॉरपोरेशन का SWM जो है उसका सफाई का, जो कंजर्वेंसी का, या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी जाके दिखाए, तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि ये परिष्कार और सुंदरीकरण के तरफ कदम है। लेकिन ये तो राजनीतिक एक तरह से टॉर्चर है। इस इलेक्शन में ममता बनर्जी हारते हारते जीती हैं और जीत का भी कारण है रिगिंग। कभी भी किसी भी समय यहाँ पर अगर वोट यहाँ के लोग दे पाएंगे, लोग को देने दिया जाएगा, तो ममता बनर्जी यहाँ पर जीत नहीं पाएंगी। जिसे CPM के पास बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही ऑर्गेनाइज बेस्ड संगठन था, उन लोग का संगठन का बड़ी दुनिया में चर्चा था, लेकिन पब्लिक जब मन बना लिया और लोगों ने वोट दिया तो CPM चला गया। लेकिन ये वोट को एक सिंडिकेट के माध्यम से, लोभ और दहशत के माध्यम से, लूट और रिगिंग के माध्यम से अभी भी ये बचा के रखी है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और CPM भी जाने से पहले हकरों को उच्छेद कर रही थी और ये भी उच्छेद कर रही हैं। निश्चित रूप से इस विधानसभा में लोग समझ गए हैं कि इनका देश में कोई रोल नहीं है। हमने प्रतिक्रिया जो किया अच्छा किया, इसीलिए किया, इसमें तीन चार किस्म का बात आ गया। ये तीन चार साल से मुख्यमंत्री इसको वॉच करते था। पहले बात है जहाँ जहाँ जो हकर लोग बैठा है वहाँ पर बहुत पुराना से, बहुत साल पहले से कोई कोई वोट बैठता था, अभी वहाँ से कोई नेता लोग, काउंसिलर लोग, पुलिस लोग मिल के पैसा दे के, किसी को एक डाला है उसको चार डाला है, किसी को छः डाला है, देखे भाड़ा दे देता, फिर सिलामी में बिकता है। ये सब खबर उसके पास सब कुछ इकट्ठा करके रखा था, लेकिन कोरोना का चलते, चुनाव का चलते और कुछ के चलते लेट हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री का बात यही है कि हम कुछ काम करने चाहता है और विरोधी लोग हम लोग का इंजाम लगाता है, पैसा उठाता, ये उठाता, लेकिन ये पैसा हमको पास आता नहीं और हम पैसा लेने वाला भी नहीं है। ये लोग जो गरीब आदमी है इसका साथ हम है, लेकिन सिस्टम में रहना चाहिए, यही बात पहले उसका है। सिस्टम के रहने के लिए ये पहले जो अभी दो चार दिन जो देख रहा, लेकिन मुख्यमंत्री को सीधा उसका बयान है, या हम लोग यही चाहता है कि फुटपाथ को तीन भाग का एक भाग रहेगा, दो भाग फाँका रहेगा, वो अपना सिस्टम से उसको क्या बोलता है, उसको आपको ये बना देगा, गुमटी बना देगा, उसको रजिस्ट्रेशन देगा, जो आदमी एक आया एक कोई देगा, जिसका पांच है नहीं देगा। तीसरा बात है जो उसमें धंधा उन्ना करता, कोई किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए, चाहे यूनियन का मेंबर, चाहे काउंसिलर, चाहे पुलिस,
इसका लिए एक तो मैसेज दिया। अब जहाँ जोन है, जिस जोन में ट्रैफिक का, पब्लिक का तकलीफ हो सकता, उस जोन से थोड़ा सेफ जोन में लेके उसका वो बनाने चाहता है। अच्छा, बनाने का बाद ये भी बोला है किसी का सामान बहुत कुछ है, इसीलिए रास्ता एक्वायर कर लेता, तो उसके लिए अलग से कोई एक ठो दो आधा किलोमीटर के अंदर में कोई एक ठो मकान बना के, कोई एक ठो जगह बना के उसको थोड़ा 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 कमरा बना के उसको ये प्रोसेसिंग चलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को ये डिसीजन लेने में क्या काफ़ी देरी नहीं होगी? देरी, सुनिए सुनिए, देरी का सवाल तो ठीक है, लेकिन देरी वो कब करेगा? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री तो सबका है ना। जब चुनाव में जीत गया, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ जितना भी है पश्चिम बंगाल, सबका है ना। तो धीरे 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 आदमी को जो यह आता है, धीरे धीरे आदमी को कंप्लेंट जब आता है, आते 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 थे एक्सट्रीम पॉइंट में चला गया। एक्सट्रीम पॉइंट का चलने का न थे, वो सोच के इलाका था, लेकिन हम बोला ना पहले 3-4 साल का पहले ही सब होना था, लेकिन वो आपको कोरोना का चलते, इलेक्शन का चलते, फिर और कुछ ये सब कुछ चलते थोड़ा लेट हो गया। अभी एक टाइम जब बमफंड लोग था, एक टाइम 100 आदमी था, अभी धीरे धीरे उसको जाएगा 400 आदमी एकवर कर लिया, रास्ता में लिया, फुटपाथ पूरा एकवर कर, फिर रास्ता मेन रास्ता में चलाया। अब देखिएगा गोरिया में, देखिए ये सब गोरिया तो उसका अपना जाएगा, तब भी वो छोड़ा नहीं, वो सब काउंसिलर को डांट दिया, बोला ये करने पड़ेगा नहीं तो तुम लोग को घुसा देगा इधर में। अब बैन देखिएगा बोला कि नहीं, इसका मतलब है जब मुख्यमंत्री चाहता है दिल से ये करने के लिए, आदमी जो सोचता था इतना दिन मुख्यमंत्री इसका मदद है उसका पेट में लाठी मारने का नहीं, लेकिन सिस्टम का बाहर जो जाएगा उसका विरोध में है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में फिर से कोलकाता, पुराना कोलकाता नया कोलकाता का सवाल यहाँ पर नहीं पैदा होता है। आदमी बढ़ता है, पुराना कोलकाता नया कोलकाता उसका ये करने पड़ेगा, चेंज करने पड़ेगा, लेकिन उसको बोलने का यही है जो सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टम का बाहर नहीं होना चाहिए। कोई एक तो तिरपल लगा दिया, कोई एक तो प्लास्टिक लगा दिया, कोई एक तो कपड़ा लगा दिया, कोई एक तो चादर लगा दिया, ये सब देखने में अच्छा नहीं था, ये नहीं चल गई ये सिटी, बिग सिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब राजाराट, सॉल्ट लेक, कलकत्ता, सिलीगुड़ी सब बिग सिटी, तो इसको सिस्टम में लाने में आदमी को देखने भी अच्छा लगेगा, साफ सुथरा रहना चाहिए, उसका भी निर्देश है। और आपको हम रजिस्ट्रेशन देगा, आपको पेट में लाद नहीं मारेगा, लेकिन एक आदमी 5 डॉलर आगे का कमाएगा वो भी हम करने नहीं देगा। हॉकरों का हटाना एक तरीके से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हॉकरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। आप हर कलकत्ता के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह हॉकरों का ही साम्राज्य है। मुख्य बाजारों में बड़ी बड़ी दुकानें मार खा रही हैं हॉकरों के कारण, क्योंकि उन दुकानों के सामने हॉकर अपना पूरा बिजनेस बिछा के रास्ते में बैठ जाते हैं। और बड़ी दुकान तो गई और रास्ते में चलने वालों की दुर्गति हो रही है, उनको जगह नहीं मिल रही है, और उन सब की इतनी बड़ी यूनियन है कि कोई भी कुछ बोलने जाए उसके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है। तो हॉकरों को हटाना एक तरीके से बुरा नहीं है, पर हाँ, जब अपने पास कोई रोज़गार के साधन नहीं है तो ये भी एक रोज़गार का साधन है, उनको अगर आप हटा देते हैं तो उनको कहीं विस्थापित करने की कोई परिकल्पना आपके पास होनी चाहिए। बिना परिकल्पना के आप एक निश्चित वर्ग के हॉकरों को हटा रहे हैं, ये ठीक नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर हॉकर उच्छेद ही करना है तो हर इलाके के हॉकर को एक समान देखा जाना चाहिए, एक वर्ग विशिष्ट लोगों के हॉकरों को आप हटा रहे हैं, और दूसरे क्षेत्रों में जो अन्य वर्ग के हैं वहाँ पे आपके घुसने की हिम्मत नहीं है। ये तो दुख की बात है कि दीदी ऐसा काम कर रही हैं, उनको इस विषय पे सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने हॉकरों को हटाया, रास्ता खाली कराया, बहुत अच्छी बात है, पर उनको एक कोई निश्चित निर्धारित जगह तो दें
एक आप हॉकर मार्केट बना दें, कोई एक जगह सुनिश्चित करें जहाँ पे इस इलाके के हॉकरों को उठा के वहाँ पे बसाया जाए, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाए, जैसे मॉल होता है उसी तरीके से हॉकर मॉल बनना चाहिए। हॉकर मॉल में विस्थापित हॉकरों को वहाँ से हटाएं और वहाँ पे बैठाएं, ताकि अगर जिनको उस सस्ते रेट में माल लेना है वो उस हॉकर मॉल में जाएं, जिनके पॉकेट में ज़्यादा गर्मी है वो दूसरे मॉलों में जाएं, बड़ी दुकानों में जाएं। तो हर वर्ग विशेष का ध्यान रखना होगा, हर की इकोनॉमी को समझना होगा और उसको आगे बढ़ाना होगा। पर मेरा फिर से यही कहना है, सिर्फ एक वर्ग के लोगों को प्रताड़ित मत करें, आप दूसरे वर्ग को भी देखें, वहाँ पे भी जाएं, वहाँ पे भी होकर उच्छेद करें, तब तो आपकी बात समझ में आती है कि आप अच्छी चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए बात यह है कि आज जो कह रहे हैं कि होकरों को उच्छेद किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए पहले हम लोग को अपनी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर उसको देखना पड़ेगा। आज देश में जो बेरोजगारी है, चाहे आप केंद्र में कह लें चाहे राज्य में कह लें, रोजगार नहीं है, परिवार काफ़ी मुश्किल में है, जिनके पास आप घर परिवार में देखेंगे लाखों परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जिनके यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कापी किताब खरीद कर नहीं दे पा रहे हैं, जो दो वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं, जो मूल उद्देश्य हैं हमारी सोसाइटी के, रोटी कपड़ा और मकान, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद आता है हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की परिकल्पना क्या है, वहाँ पर हमको एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, हमारा हेल्थ हमको ठीक से सुविधा है कि नहीं, हम डॉक्टर चिकित्सा व्यवस्था हमारी सही हो पा रही है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम जिस समाज में हैं उस समाज में हमारी सोशल सिक्योरिटी क्या है, हम सही ढंग से रह पा रहे हैं कि समाज में। तो आज का जो समाज है, इस समाज में जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ अर्थनैतिक अवस्था दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, देश का मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो डूबता जा रहा है, आज देखा जा रहा है कि एक श्रेणी के हाथ में पैसा बहुत है और एक श्रेणी के हाथ में कुछ भी नहीं है, और कुछ हैं जिनके पास दिन भर की रोजी रोटी कमाने के लिए करने के लिए बस दिन भर मेहनत करके वो अपना पेट पाल रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे सरकारी नौकरियां नहीं हैं, आज राज्य की बात कर लीजिए या देश में कर लीजिए, कहीं भी आपको सरकारी नौकरियों में पता चलेगा सरकारी नौकरियां हैं पर वहां पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है या सरकारी जगह पर हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो आदमी जब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, प्राइवेट नौकरियां नहीं हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो आदमी करेगा क्या? आदमी को अपने रोजगार करने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए उसको बाज़ार में आना पड़ेगा। तो बाज़ार में जब हम आते हैं तो हमारे लिए एक ही बात है, कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए हमको रेवड़ी, जिसको ठेला कह लीजिए, हमको ठेला लगा के बाज़ार में पहुंचना है, हमें सामान बेचना है और सामान बेच के उस पैसे से जो हमारा उपार्जन होगा हमको अपना परिवार चलाना है। तो यहाँ बात आती है कि हॉकरों की, हॉकर को उच्छेद किया जा रहा है। देखिए मैं हॉकरों को उच्छेद करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी है। मैंने आपको इतनी सारी बातें इसीलिए बताई कि देश की अर्थनैतिक अवस्था जो है, आज देश का संविधान के हिसाब से होता है कि हर देश का नागरिक जो 18 साल के ऊपर पार कर चुका है, जो इसको काम मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस जो है उसका 10 से 15 हज़ार रुपया होना चाहिए। पर आज आप कितने आदमी बताएंगे जिनके पास 10-15 हज़ार रुपये की नौकरियाँ हैं या 10-15 हज़ार रुपया कमा रहे हैं? तो आपको काम करने के लिए आज के समय में, जिस समय का जो समय काल चल रहा है आज के डेट में, 15-16-20 हज़ार में भी एक परिवार नहीं चलता है, फिर भी आपको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आदमी बेकार हैं, लड़के पढ़ लिख के उनके पास नौकरियां नहीं हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं करके एक समाज जिस तरफ जा रहा है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो बेचारे अपने हॉकर का काम कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जिन हॉकर, आज आप कह रहे हैं राज्य की मुख्यमंत्री ने हॉकरों को हटाने का जो डिसीजन लिया है, मैं दो बातें कहूँगा इसमें। देखिए हॉकर जो अपने आप नहीं बैठे हैं, उनको वहाँ स्थापित किया गया है। अब किन लोगों ने ला के उस जगह पर उनको स्थापित किया, इसकी जानकारी आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। एक बात बता दूँ कि जिन्होंने, आप जिन जिन मार्केट की बात करते हैं, वहाँ करोड़ों रुपया दे के एक आदमी दुकान लेता है,
अपना कारोबार शुरू करने के लिए, उस कारोबारी के सामने एक आप दो डाला लगा देते हो, उसका कारोबार बंद होता है, वो करोड़ों में नुकसान जाता है, और आप एक जगह से घेरते घेरते पूरी जगह को घेर लेते हो, सड़क पे राहगीर नहीं चल पाते हैं, बच्चों को उनकी माँ को स्कूल ले आने के लिए फुटपाथ से निकल के रास्ते पर आने पड़ता है, तो रास्तों पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं ठीक से, तो एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट कितने परिवार इस तरह से जोखिम लेके मर जाते हैं उनके परिवार। तो देखिए, दीदी का जो मुख्यमंत्री है उनका डिसीजन मैं गलत नहीं कहूँगा, उन्होंने सही लिया है, पर बहुत देरी से लिया है, बहुत देरी से। उनको ये पूरी तरह से सोच समझ के प्लानिंग के साथ कि हाँ इनको मैं एक जगह दूंगी जहाँ पर ये अपना कारोबार करेंगे, इनका पेट भी चलेगा, इनका परिवार भी चलेगा, ये अगर उनकी सोची समझी हुई अगर समझदारी से उनका प्लानिंग है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं रोज़गार देना है। अगर आप इस तरह अचानक आके उनको हटा देंगे तो जो दो रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है, वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में हर किसी को बचने का और अच्छी तरह से रहने का पूरा अधिकार है। तो जो राज्य में है, जो सरकार में है, जो प्रशासन में है, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इस तरह से प्लानिंग करें, उस प्लानिंग के द्वारा वो अपने हर नागरिक की सुरक्षा, उनका रोज़गार की व्यवस्था करें। तो हॉकर के हटाने अतिक्रमण के बारे में मैं यही बोलूँगा कि उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए, उनको सही जगह दी जाए, हाँ वो भी अपना कारोबार करें, और इस शहर में जो इंसान रहते हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, जो औरतें हैं अपने काम पे जा रही हैं, उनके लिए फुटपाथ खुला रहे, वो अपना काम पे जा सकें, जिससे कि आने वाले समय में कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, और जो हॉकर भाई बहन है उनको रोजी रोटी उनकी जैसे चल रही है वैसे चलती रहे। हाँ उसके लिए हो सकता है, जिन्होंने दीदी कह रही थी कि एक की जगह 10-10 डाला लगा के बैठ गए हैं, एक ही परिवार के 10-10 भाई, या किसी नेताओं के द्वारा बैठाए गए हैं, या पुलिस प्रशासन के द्वारा बैठाए गए हैं, और उस पर उनको बैठा के फिर उनसे पैसा लिया जाता है, ये गलत चीज़ है। जो गरीब आदमी है, काम काजी आदमी अपने पेट को चलाने के लिए बैठा है, और उससे आप हफ्ता वसूली करते हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब कहाँ से अपना परिवार चलाएगा कि आपको हफ्ता वसूली देगा। तो इस मामले में सरकार को कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, और जहाँ तक की बात है उन्होंने अपने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को उन्होंने कहा भी है कि एक महीने के भीतर वो सर्वे करके रिपोर्ट दें कि आने वाले समय में उनके लिए क्या अच्छा है वो किया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि जो हॉकर भाई हैं उनके बारे में सोचा जाए, उनको कहीं भी स्थापित किया जाए जहाँ उन कंज्यूमर पहुँच पाएँ, कस्टमर उनके पास पहुँच जाएँ, और उनका भी काम चलता रहे, और शहर भी साफ़ हो, और सरकार भी अपना काम करे, और हम समाज सुधारक जो हैं हम भी सरकार के साथ भी हैं, सरकार का भी अगर अच्छा काम होगा तो हम लोग सरकार के बारे में बोलेंगे, हाँ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार अगर कुछ गलत काम करती है तो उसके विरुद्ध में हम लोग खड़े होंगे, जो हमारी ड्यूटी बनती है कि समाज में रह रहे हैं तो समाज में अच्छा बुरा देखने का कर्तव्य सिर्फ सरकार का ही नहीं है, हम लोग एक सामाजिक रूप से हम लोग का भी एक कर्तव्य है कि हम लोग भी आगे बढ़ें। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सब लोग, इस शहर में रहने वाला हर नागरिक, हर बच्चा, हर औरत, उसको पूरा अधिकार है, वो अपने जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए अच्छे से काम करें। और जिन जिन जगहों में, जैसे कल कहा गया बागरी मार्केट, हाथी बागान, या न्यू मार्केट, ग्रैंड होटल, यहाँ अतिक्रमण जो हुआ है वो अतिक्रमण हटे, बाकी का जैसा व्यवस्था है वैसा होना चाहिए। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रतन, कोलकाता।